तो गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अपने डिसेबल हुए फेसबुक आईडी को दोबारा से इनेबल किस तरीके से करवा सकते हो। अगर उसमें फेसबुक ने आपका भी फेसबुक आईडी डिसेबल कर दिया है तो यहाँ पर किस तरीके से अपने आईडी को आप रिकवर कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपका भी फेसबुक आईडी इस तरीके से डिसेबल हो गया है तो जानने के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मेरा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र का जैसे ही ओपन करते हो यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक हेल्प सेंटर, ऐसा कुछ लिखकर आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे सबसे पहला लिंक आपको देखने को मिलेगा फेसबुक हेल्प सेंटर का, तो सिंपल आपको यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे फेसबुक का जो हेल्प सेंटर है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देन आपको ऊपर यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन दिखेगा ये वाला बॉक्स, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको लिख देना है माई पर्सनल अकाउंट वॉज डिसेबल, कुछ ऐसा आपको लिखना है माई पर्सनल अकाउंट वॉज डिसेबल्ड, कुछ ऐसा कीवर्ड आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखना है। लिखने के बाद सिंपल आपको सर्च करना है। अब जैसे ही आप सर्च करोगे कुछ ऐसा सर्च रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा माई पर्सनल फेसबुक अकाउंट इज डिसेबल ये वाला ऑप्शन, तो सिंपल आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला आर्टिकल पूरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आखिर आपका फेसबुक आई डी यहाँ पर डिसेबल क्यों होता है। यहाँ पर आ जाओ, किसी आप फेक नेम को अगर यूज़ करोगे तो तब आपका ये अकाउंट यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा, या जो भी है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। देन यहाँ पर बात करते हैं कि आप उसे रीएक्टिव कैसे करा सकते हो, दोबारा से इनेबल कैसे करा सकते हो। तो यहीं पर सिंपल दोस्तों को नीचे आना है और यहाँ पर नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। यहाँ पर आप देखोगे एक आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन दिखेगा व्हाट टू डू इफ़ यू थिंक दैट योर अकाउंट वॉज डिसेबल बाई मिस्टेक, यानी कि यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपका फेसबुक आई डी मिस्टेक से डिसेबल किया गया है, देन आपको यहाँ पर एक लिंक देखने को मिलेगा यूज दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट ए रिव्यू ये वाला ऑप्शन, तो इसी नीले कलर के लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे एक यहाँ पर फॉर्म की तरह आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो माई पर्सनल अकाउंट वॉज डिसेबल, आप चाहो तो ऐसे ही भी इसे फिल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आपको दिखेगा, चाहो तो आप डेस्कटॉप साइट को भी इनेबल कर सकते हो, इससे थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको इन फॉर्म को सही से फिल करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लॉग इन ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर या फिर वही जीमेल आईडी डालना है जिस जीमेल आईडी से आपका जो फेसबुक आईडी डिसेबल हुआ है, वो फेसबुक आईडी आपने बनाई हुई थी तो वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना अपना जीमेल आईडी जो भी हो, या फिर आपका नंबर, अगर आपने नंबर से बनाया है तो आपको नंबर लिख देना है, अगर आपने जीमेल आईडी का यूज़ किया हुआ था तो आपको यहाँ पर जीमेल आईडी लिख देना है। अब इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा योर फुल नेम, अब यहाँ पर आपको अपना फुल नेम इंटर करना है जो कि आपके गवर्नमेंट आईडी पर भी हो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद सबसे नीचे योर आईडी ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सिंपल को करना क्या है, आपको अपने फ़ोन के कैमरे को ओपन करना है, जस्ट इस तरीके से अपने फ़ोन के कैमरे को आपको ओपन करना है। उसके बाद सिंपल आपको अपना आधार कार्ड लेना है, आधार कार्ड का जो फ्रंट वाला फ़ोटो है उसे आपको इस तरीके से यहाँ से कैप्चर कर लेना है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आधार कार्ड का फोटो कैप्चर करने के बाद फिर से आपको इस पर आना है। अब यहाँ पर आपको नीचे योर आईडी के नीचे आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट आईडी आपने अभी कैप्चर किया हुआ है उसे आपको सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट कर ऊपर डन कर देना है। उसके बाद आपका जो स्क्रीनशॉट है, आपका जो फ़ोटो है, आप यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, आप देख रहे हो। यहाँ पर अपलोड होने के बाद आपको सिंपल नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर पढ़ भी सकते हो आपका आईडी यहाँ पर 30 दिन के बाद फेसबुक से भी डिलीट कर दिया जाएगा। नीचे आपको सेंड करने का ऑप्शन दिखेगा ये वाला, तो जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करोगे आपका ये जो रिपोर्ट है, आपका ये जो भी अपील वाला फॉर्म आपने सबमिट किया है ये फेसबुक टीम के पास सबमिट हो जाएगा। उसके बाद वो आपके इस गवर्नमेंट आईडी को आपके फेसबुक आईडी से मैच करेंगे। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि कुछ भी ऐसा आपके फेसबुक आईडी से आपकी इस गवर्नमेंट आईडी से मैच हो जाता है, उन्हें अगर ये क्लियर हो जाता है कि आपने कोई भी फेक नेम यूज नहीं किया था इस फेसबुक आईडी को बनाते वक्त, आपका खुद का ही नेम है, तो यहाँ पर आपकी आईडी 100% रिकवर हो जाएगी। उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपको डिसेबल वाला ऑप्शन नहीं आएगा, सीधे आपका आईडी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो इतना सब करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ज़रूर से लग सकता है, कई बार एक हफ्ते दो हफ्ते तक टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर आपको अब वेट ज़रूर से थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो गाइस यही था तरीका जिसकी मदद से आप अपने डिसेबल आईडी के लिए अपील कर सकते हो।